हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें हम लेसन प्लान में देखते हैं किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। लोकेशन ऑफ इंडिया, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ एंड केयरिंग फॉर लैंड। उससे पहले हम एक सेल्फ सर्वे करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमें कितनी जानकारी है ज्योग्राफी के बारे में। तो बच्चों, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें हमें अनस्क्रैम्बल करके उनका राइट वर्ड लिखना है। जिसे फर्स्ट वन है प्लेन, सेकंड है प्लेट्यू, थर्ड है डेजर्ट एंड फोर्थ है माउंटेन। लोकेशन ऑफ इंडिया। बच्चों, सबसे पहले हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो बहुत ही वास्ट कंट्री है एंड इट दिस इज लोकेटेड इन साउथ एशिया और सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का, जिसका एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये नॉर्थ टू साउथ फैला हुआ है 3,214 किलोमीटर एरिया में एंड ईस्ट टू वेस्ट 2,933 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ये इंडिया जो है बे ऑफ बंगाल से ईस्ट में मतलब उसके तरफ है, ईस्ट की तरफ वो बे ऑफ बंगाल है। उसके आसपास अरबियन सी वेस्ट में है, नॉर्थ में हिमालयाज है एंड साउथ में इंडियन ओशियन है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ। प्लेन, सबसे पहले बच्चों, जो वास्ट फ्लैट लैंड एरिया होता है उसे हम प्लेन बोलते हैं। ज्यादातर लोग प्लेन्स में ही रहते हैं। प्लेन्स में जो मिट्टी होती है वो मिनरल्स होते हैं उसमें बहुत सारे, जिसमें क्रॉप्स उगाई जाती हैं, घर, फैक्ट्री, रोड, रेलवे ट्रैक, ये सभी प्लेन्स एरिया में ही बनाए जाते हैं। हिल्स एंड माउंटेन्स। हिल्स आर ऑफ एरिया ऑफ लैंड आर कॉल्ड हिल्स। हाई एरिया, जो जमीन से उठा हुआ एरिया होता है उसे हम हिल्स बोलते हैं। वेरी हाई एरिया जो होता है लैंड से उठा का, उसको हम माउंटेन्स बोलते हैं। माउंटेन्स की जो चोटी होती है वो बहुत ऊंची होती है और एकदम शार्प स्लोप होता है। कुछ माउंटेन होते हैं जो पूरे साल बर्फ से ढके रहते हैं। हिल्स और माउंटेन्स में घने जंगल भी होते हैं, वहां पर सड़कें बनाना बहुत मुश्किल होता है। बच्चों, हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है वो वर्ल्ड की हिमालयाज है। वैली, दो हिल्स या माउंटेन के बीच का जो एरिया होता है, जो लो लैंड होती है, उसको वैली बोला जाता है। इसकी बहुत ही फर्टाइल लैंड होती है क्योंकि यहाँ से रिवर्स अक्सर बहती रहती है। प्लेट्यू, प्लेट्यू को होता है ए फ्लैट लैंड जो कि शार्पली राइज रहती है और अपने चारों तरफ के एरिया से उठी हुई रहती है और ऊपर से फ्लैट होती है। तो प्लेट्यू की रॉकी सरफेस होती है और ये फर्टाइल नहीं होती है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट अर्थ का एक बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं फॉरेस्ट में, बहुत तरह के वाइल्ड एनिमल्स वहां पर रहते हैं। वी मस्ट नॉट डिस्ट्रॉय अवर फॉरेस्ट बाई कटिंग डाउन टू मैनी ट्रीज। डेजर्ट, कुछ पार्ट लैंड का बच्चों बहुत ही कम या बिल्कुल बारिश नहीं होती है जहाँ पर, उसे हम डेजर्ट बोलते हैं। वहां पर वेजिटेशन भी बहुत कम होता है, सिर्फ कुछ ही क्रॉप्स उग पाती हैं। लोग कैमल्स डेजर्ट में रखते हैं। आइलैंड, आइलैंड ए पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, जिसके चारों तरफ पानी रहता है, उसे आइलैंड बोला जाता है। अप्रोक्सीमेट नंबर है 9 लाख आइलैंड्स हैं ग्लोबली एंड अराउंड 16,000 आर इनहेबिटेड। केयरिंग ऑफ लैंड, बच्चों हमें लैंड की देखभाल किस तरह करनी चाहिए। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, सॉइल कंजर्वेशन करना चाहिए एंड वी शुड रिसाइकिल द वेस्ट प्रोडक्ट्स। थैंक यू।